चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बाल दिवस के कार्यक्रम का। रामनिवास बाग पर आज बेहद खास कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रियों के साथ पहुंचे हुए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चाहे ममता भूपेश की बात करें, शांति धारीवाल की बात करें, परसादी लाल मीणा की बात करें, प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉक्टर रघु शर्मा, ये तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। और ये बच्चों को भी आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे चाचा नेहरू की पोशाक में आए हैं। वो लाल गुलाब जो अपनी जैकेट में नेहरू जी लगाया करते थे, देश के पहले प्रधानमंत्री जैसे ड्रेसअप होते थे, वैसे ही ये बच्चे भी उसी पोशाक में यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री को भी वो लाल गुलाब लगाया गया है, उनकी जैकेट पर भी आज वो लाल गुलाब दिख रहा है। तो अब बच्चों की रैली रवाना होगी, जागरूकता रैली, जिसमें हाथ में स्लोगन लेकर ये बच्चे बताएंगे बच्चों के अधिकारों के बारे में, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ गया है बच्चों के खिलाफ। छोटे बच्चे कैसे चुप्पी तोड़कर अपनी बात को कहें, कैसे उन तमाम लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें जो बच्चों के साथ गंदी हरकत करते हैं। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उन तमाम चीजों के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाएगा। तो उसके पहले सीएमआर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रामनिवास बाग में अगर हम कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो पंडित नेहरू को पुष्पांजलि के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, उसके बाद पौधारोपण किया गया। कई मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी यहां पर हैं, सीएस डीबी गुप्ता भी हैं, एससीएस वित्त भी हैं। तो 1000 स्कूली बच्चों की रैली है जिसे मुख्यमंत्री ने रवाना किया है, और उनके हाथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहे गए वाक्यों को कोटेशन के तौर पर एक बैनर फॉर्म में ले जाया जा रहा है। और ये सफेद गुब्बारों का बंच शांति का प्रतीक, सफेद रंग होता है, और यहां पर इन बच्चों के हाथों ये सफेद गुब्बारों का बंच आज हवा में उड़ान भरता हुआ, उनको छोड़ दिया गया उड़ान भरने के लिए। तो जैसे आजाद हैं ये गुब्बारे, वैसे ही आजाद है ये बचपन। जैसे अमन और चैन का प्रतीक है ये सफेद रंग, वैसे ही बच्चे हैं, बिल्कुल शुद्ध, एकदम सफेद मन से। और इस मन पर कोई कालिख ना लगे, कोई गंदगी, कोई गलत बात उनके मन में ना बैठे, वही कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब साफ मन होगा तभी साफ समाज होगा, देश होगा। और अब रैली को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री एक हजार स्कूली बच्चों की रैली जिसे रवाना करते हुए मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री। और देखिए, बच्चे निकल पड़े हैं हाथ में तख्तियां लेकर, ये बैनर्स और पोस्टर्स के साथ ये संदेश वाहक बन गए हैं उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम माता पिता के लिए जो नहीं जानते हैं ज्यादा, उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और उन लोगों को भी बताएंगे जो गलत हरकतें करते हैं बच्चों के साथ, जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनके लिए भी ये बच्चे आवाज बुलंद करेंगे कि हो जाओ खबरदार, हो गई तैयार हमारी आर्मी। और नारे भी यहां पर बच्चों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो रवाना हो गए हैं ये बच्चे अपने मिशन के लिए, चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भी देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर हंसते हुए, और ये तो जो तीन मंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जब ये एक साथ होते हैं तो एक अलग ही जुगलबंदी होती है इनके बीच में, और अगर ये तिकड़ी होती है साथ में तब तो फिर पूछिए ही मत। और देखिए यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है, और बस कुछ देर बाद अब इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से जवाहर कला केंद्र जाएंगे, वहाँ पर चाचा नेहरू के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका उद्घाटन करेंगे, टॉक शो वहाँ पर है उसका शुभारंभ करेंगे। तो इसके अलावा भी प्रदेश में कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल। उसके पहले दिल्ली में भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि कैसे सोनिया गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की थी, वहां पर भी कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन किया, शांति वन गई थी सोनिया गांधी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया था, और सोनिया गांधी ने बच्चों से भी बात की थी। तो साथ ही साथ हम आपको प्रदेश की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की भी ये तस्वीरें बेहद खास। तो शुरुआत सीएमआर में बच्चों से मुलाकात के साथ, उसके बाद राम निवास बाग का ये कार्यक्रम। और देखिए बच्चे यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए, और अपने बालों को देखिए कैसे ठीक कर रहे हैं मुख्यमंत्री सेल्फी के पहले, और वो एक थपकी जो मारते हैं बच्चों को टीप, वो एक मुख्यमंत्री लाड में वो यहाँ पर आशीर्वाद लेकर ये बच्चे यहाँ से रवाना होते हुए। तो 1000 स्कूली बच्चे इस रैली में शामिल हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदेश को लेकर ये बच्चे निकल पड़े हैं, चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। राकेश मायर कर, मायर राकेश मायर